तो दोस्तों आज के टाइम में ट्रूकॉलर एक ऐसी एप्लीकेशन है जो लगभग 90% लोगों के मोबाइल में आपको ये इंस्टॉल मिल जाएगी। ये बहुत ही ज़बरदस्त एप्लीकेशन है और जिसका उपयोग हम करते हैं किसी अननोन पर्सन के कॉल के दौरान, जब उसका नंबर आता है तो हम उसके नाम का पता लगा सकते हैं। और प्ले स्टोर पर इसके डाउनलोड्स चेक कीजिए, 500 MB डाउनलोड है, 3+ रेटेड और 43 MB की एप्लीकेशन जो 13 MB रिव्यू है इसके। हम आज इसी की कुछ सेटिंग्स हैं जो सभी को नहीं पता होती है, उन सेटिंग्स के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सेटिंग्स है, आप वीडियो को पूरा देखिए, आज बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं KR भाटिया आपका दोस्त और आप देख रहे हैं भाटिया जी टेक्निकल। तो दोस्तों किस प्रकार से हमें सेट करना है ट्रूकॉलर को, अभी हम देख लेते हैं। इसकी कुछ सेटिंग्स है जो बहुत ही ज़बरदस्त सेटिंग्स होने वाली है, आप वीडियो को पूरा देखिए। चलते हैं, आपको सबसे पहले बताते हैं कि जो ये बोरिंग सा कलर वाइट सा हमें इसकी थीम दिखाई दे रही है, थोड़ा बोरिंग सा अगर आपको लगता है तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करना है अभी ट्राई कर लेते हैं। ऊपर आपको 3 लाइन्स दिखाई दे रही है, इस पर टैप करने के बाद आपको नीचे डार्क मोड जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आप टैप करके इसका जो थीम है इसको चेंज कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये थोड़ा शानदार है, देखने में भी बहुत अच्छा है। तो पिन का एक ऑप्शन है दोस्तों, अगर आपको किसी नंबर को सबसे पहले देखना है हमेशा के लिए, तो आप कोई 3 नंबर इसमें पिन करके रख सकते हैं जो आपको सबसे पहले दिखाई देंगे। तो जैसे मेरे पास ये कोई नंबर है शिषपाल, ये नंबर अगर मैं चाहूँ कि सबसे पहले मुझे ये नंबर ऊपर ही ऊपर दिखाई दे हमेशा के लिए, तो पिन करने के लिए इस पर टैप करके रख सकते हैं। टैप करने के बाद ऊपर आपको यहाँ पर पिन का आइकन मिलेगा डिलीट के एकदम पास में, आप कर दीजिए इस पर टैप। टैप करने के बाद देखिए ऊपर आपको शिषपाल जो ये नंबर है आपको सबसे पहले मिलेगा, चाहे आपके पास दिन में कितनी भी कॉल क्यों ना आए। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त सेटिंग है जो काम की भी है। तो चलिए तीसरी सेटिंग के बारे में बात करते हैं इसकी। तो तीसरी सेटिंग जानने के लिए आपको मैं सबसे पहले बता दूं कि यहाँ पर जो ये लिस्ट दिखाई दे रही है इसमें आपके पास जो कॉल आई है वो भी है, और जो आपने कॉल की है वो भी है, और जो मिस्ड कॉल है वो भी यहाँ आपको दिखाई दे रही है, और जो ब्लॉक्स कॉल है वो भी है यहाँ पर। तो अगर हम इन सबको अलग अलग देखना चाहें तो इसके लिए क्या करना है, तो यहाँ पर आप नीचे कीपैड का ये आइकन है इस पर टैप कीजिए। यहाँ पर टैप करने के बाद ऊपर आपको ये 3 डॉट्स दिखाई दे रही है, इन पर टैप करना है। और अब हमें देखनी है केवल इनकमिंग कॉल्स, तो ये इनकमिंग कॉल्स है मेरे फ़ोन में, जितनी भी इनकमिंग कॉल्स आई है वो सब आपको या नंबर वाइज दिखाई दे रही है। इस प्रकार इसको चेंज भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ टैप करके आप मिस्ड कॉल देख सकते हैं, जैसे ये देखो सभी मिस्ड कॉल यहाँ पर दिखाई दे रही थी। ये बहुत ही ज़बरदस्त सेटिंग है जिसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं। तो कुछ और सेटिंग्स हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं, वो कौन सी सेटिंग्स हैं। तो यहाँ ऊपर आप 3 लाइन्स पे टैप करके इसकी भाषा है वो भी चेंज कर सकते हैं। जैसे सेटिंग में चलना है आपको, सबसे पहले सेटिंग पे कीजिए टैप। टैप करने के बाद यहाँ पर आपको ऐप भाषा जो 3rd नंबर पे दिखाई देगी, यहाँ पर टैप करने के बाद आप अपनी मनपसंद भाषा को यहाँ पर सेट कर सकते हैं। ऐप की भाषा है इंग्लिश कर सकते हैं, हिंदी कर सकते हैं, या आपकी कोई स्थानीय भाषा है तो भी वो आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं, और लगभग भाषाएँ यहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों ये भी एक अच्छी सेटिंग है इसकी, जो आप अपनी मनपसंद भाषा में इसको देख सकते हैं। और सामान्य सेटिंग में क्या है वो भी देख लेते हैं। सामान्य सेटिंग में आपको एक तो कीपैड पे टोन वाला ये वाला बहुत ही ज़बरदस्त मिल जाएगा। अगर आप जैसे कोई नंबर इसमें डायल करते हैं तो वहाँ पर आप क्या चाहते हैं, जैसे वहाँ पर केवल कंपन हो नंबर डायल करते वक्त, या आवाज़ हो, या फिर आवाज़ के साथ थोड़ा कंपन हो, या फिर एकदम बंद रहे, तो ये किसी किसी को बहुत ही पसंद आता है। जैसे केवल किसी को कंपन पसंद है तो वो कंपन कर सकता है, जैसे मैंने यहाँ पर आवाज़ कर ली, ये भी है इसकी एक अच्छी सेटिंग्स है। और यहाँ पर आपको जैसे कॉल चेतावनी सूचनाएँ आप यहाँ पर स्टार्ट करके रख सकते हैं, मिस्ड कॉल की सूचनाएँ वो भी रख सकते हैं। अगर आपकी मिस्ड कॉल छूट गई है, काफ़ी टाइम हो गया है, तो वो भी आपको यहाँ पर याद दिलाते रहेगा, वो भी आप यहाँ पर चालू करके रख सकते हैं। प्रोफाइल दर से अधिसूचनाएँ ये भी आप यहाँ पर स्टार्ट रख सकते हैं। तो और देख लेते हैं इसकी कुछ और सेटिंग्स है। आपको यहाँ पर इसकी प्रोफाइल, जैसे यहाँ पर मैंने इसकी प्रोफाइल बना रखी है, अगर कोई बंदा या आदमी यहाँ पर मेरी कोई प्रोफाइल चेक करता है तो उसको मेरे बारे में सभी जानकारी यहाँ पर उसको मिल जाएगी। जैसे इस एडिट यानी पेन वाले पे आपको टैप करना है, यहाँ पर टैप करने के बाद यहाँ पर आप अपनी सभी जानकारियाँ फिल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको फिल करने के बाद जैसे आपको बिजनेस है, वेबसाइट वगैरह, सभी कंपनी के बारे में, देश, शहर, पिन कोड से भी यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं। जैसे आप अपना नाम लिख सकते हैं फेसबुक गूगल की, तो इस प्रकार ये भी आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है इसकी। इसके बाद चलते हैं दोस्तों भुगतान यानी पेमेंट। यहाँ पर अगर आप चाहें तो यहाँ से रिचार्ज भी कर सकते हैं, रिचार्ज का भी ऑप्शन है इसमें, बिल पे कर सकते हैं, डीटीएच का रिचार्ज हो गया, पोस्ट पेड का बिल, लैंडलाइन वगैरह, ये सभी इसमें उपलब्ध हैं।
तो दोस्तों ये थी इसकी कुछ सेटिंग्स जिनके बारे में शायद आपको पता था या नहीं, आप कमेंट में ज़रूर बताएं आपको ये सेटिंग्स कैसी लगी, ये भी आप में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।